नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार शाम 7 बजे कैश फॉर जॉब स्कैम के आरोप में जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था, मगर 5 घंटे बाद उन्होंने फैसला वापस ले लिया। गवर्नर ने बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था। अब वह अटॉर्नी जनरल की सलाह के बाद अंतिम फैसला लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद अपना फैसला वापस लिया। उधर सीएम एमके स्टालिन ने इस फैसले को गलत बताया था और इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। देर रात गवर्नर हाउस के सूत्रों ने बताया कि गवर्नर ने इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से बात की और अपने फैसलों को रोक दिया। बालाजी अब मंत्री बने रहेंगे। सेंथिल पर भ्रष्टाचार के आरोप है। 14 जून को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट ने बालाजी को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने सेंथिल को बर्खास्त करने के लिए सीएम एमके स्टालिन से भी राय मशवरा नहीं किया था। सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल को किसी मौजूदा मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। डीएमके नेता सरवन अन्ना दुरई ने चेन्नई में कहा कि सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने वाले राज्यपाल कौन होते हैं, क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है? वो सनातन धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म हमारे देश का कानून नहीं है। हमारा संविधान हमारी बाइबिल गीता कुरान है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे संविधान को ठीक से पढ़े। उनके पास अधिकार नहीं है, वे अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।